कैसे और क्या हुआ वो समझ लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर ये पहले से निर्धारित योजना के तहत हुआ है तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अगर ये अचानक कुछ लोगों के जहन में आया और वो लाल किले की तरफ रुख कर गए तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना था, कुछ लोग उग्र हो गए, तो ये देखकर आपको समझ में आ जाएगा। अगर उग्रता के साथ ही ये करने की सोची गई थी तो भी आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन दिखाई ये दिया कि गणतंत्र पर भीड़ तंत्र हावी था, गणतंत्र पर ट्रैक्टर तंत्र हावी होता चला गया। ट्रैक्टर मार्च क्यों निकाला गया था? केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए हैं, ये आपको मालूम है। उन कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग इन किसान संगठनों की है। हालांकि आप ये देखें कि 1, 2 या 2.5 बमुश्किल राज्य आप कह सकते हैं जहां के किसान इस थ्रस्ट के साथ ये महसूस कर रहे हैं। इन नेताओं के जरिए जो हमको पता चल रहा है कि वो लोग ये महसूस कर रहे हैं कि उनके हक में नहीं है। बाकी के पूरे देश में ऐसा है क्या, ये आप तय कीजिए। मांग पूरी होने पर ट्रैक्टर मार्च, मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने ये कहा कि हम 26 जनवरी को भी ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, जबकि हमने आपको बताया सरकार की तरफ से अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही थी। 11 दौर की बातचीत की गई थी, ये कहा गया था संशोधन बताइए हम करते हैं, एक पॉइंट वाइज बात करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हटाओ, इसके अलावा कुछ मंजूर नहीं है। ये कहा गया कि 1.5-2 साल के लिए इसको रोक देते हैं, तब तक बात कर लेंगे। बोले नहीं, आज हटाओ। ये क्यों किया गया? गणतंत्र दिवस समारोह खत्म होने के बाद होना था शुरू, उधर से होने वाली इस ट्रैक्टर रैली को, लेकिन ये गणतंत्र दिवस समारोह खत्म होने के पहले शुरू कर दिया गया। दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर 100 किलोमीटर तक टीकरी सिंधु गाजीपुर बॉर्डर पर इजाजत थी। जो रूट फाइनलाइज किया गया था किसान संगठनों के बीच में और पुलिस के बीच में एक समझ बनी थी कि इस रूट पर आप निकालेंगे, उस रूट से अलग जाने के लिए। हालांकि किसान संगठनों के वो लोग जो इस उपद्रव में शामिल थे उनका कहना यह था कि स्वीकृत रूट पर भी हमको रोकने की कोशिश की जा रही थी, बैरिकेटिंग लगा दी गई थी और हमको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था। एक ट्रैक्टर पर 5 लोगों से ज्यादा नहीं होंगे ये कहा गया था। बोनट बम्पर छत पर कोई नहीं बैठेगा ये भी कहा गया था। ट्रैक्टर मार्च में शामिल लोग शांति बरतेंगे ये भी कहा गया था। किसी के पास हथियार या शराब नहीं होगा ये भी कहा गया था। भड़काऊ संदेश वाले बैनर नहीं ले जाए जाएंगे, राजनीतिक दल के नेता इसमें शामिल नहीं होंगे। ये तमाम उन 37 अहम शर्तों में से था जिसके लिए दोनों तरफ से एग्री किया गया था। पुलिस ने कहा था कि आपको ये बातें माननी पड़ेंगी और 26 जनवरी को रैली निकालने के लिए किसान संगठनों ने कहा था कि ये 37 की 37 बातें हम मानेंगे, इनमें से जो अहम बातें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।